बीएसएफ जवान को लगी गोली, जीएमसीएच में भर्ती। आपको बता दें कि कुमारबाग ओपी थाना परिसर में पुलिसकर्मी अपने सरकारी कार्बाइन की साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान बीएसएफ हवलदार रंजीत सिंह के हाथों से मैगजीन छूट गई और एक गोली उनके दाहिने पैर में जा लगी, जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा आनन फानन में घायल रंजीत सिंह को बेतिया जीएमसीएच अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों ने बताया कि स्थिति अब खतरे से बाहर है। घायल हवलदार रंजीत सिंह सिपाही संख्या 138 वैशाली जिले के राघवपुर प्रखंड फतेहपुर गांव के रहने वाले हैं और मुजफ्फरपुर से बीएसएपी कंपनी 6 में जवान बताए जा रहे हैं। करवाई सफाई हो रहा था, सामूहिक सफाई, हथियार की सफाई हो रहा था, सफाई करके और कोर्ट में रखने गए। इस बार मैगजीन वही था, निकाल मैगजीन चढ़ाया, नीचे रखने लगे, हाथ से छूट गया, पैर में लग गया, गिर के लग गया। क्या परिचय हुआ सर? हाँ, क्या नाम हुआ? हवलदार 138 रंजीत सिंह। रहने वाला कहाँ का सर? राघोपुर प्रखंड के जी फतेहपुर गांव पर।